थ्रेड्स जो कि मेटा की यानी कि फेसबुक की नई ऐप है, ये ट्विटर के लिए काफी बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है। इसके लॉन्च होने के सिर्फ 4-5 घंटों के बीच में ही यहाँ पर 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने साइन अप कर लिया था और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक 50 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ने ऑलरेडी थ्रेड्स ऐप पे साइन अप कर लिया। खैर इलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग रियलिटी में लड़े या ना लड़े, लेकिन इनकी दो सोशल मीडिया कंपनीज के बीच में कॉम्पिटिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन थ्रेड्स कैसे ट्विटर के लिए काफी बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है, ये चीज आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थ्रेड्स ऐप है क्या। वेल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं देन ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जो कि इंस्टाग्राम और ट्विटर के मिक्सचर से बनी है। इंटरफेस आपको काफी सिमिलर देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम के साथ में और फीचर्स आपको काफी सिमिलर देखने को मिलेंगे ट्विटर के साथ में। आइकन्स और एक्शन बार काफी सिमिलर रखे गए हैं ट्विटर के साथ में ताकि जो यूजर ट्विटर से थ्रेड्स पर आ रहे हैं उनके लिए लर्निंग कर्व कम से कम रखी जा सके। इसके अलावा ट्रेंडिंग टैब्स जैसे जो फीचर्स है वो अभी इस ऐप पर अवेलेबल नहीं है। चलो जो फीचर्स है वो तो आप बाद में भी देख लेंगे, आप खुद से भी देख लेंगे और आपने अभी तक देख भी लिए होंगे। लेकिन हम आते हैं यहाँ पर मेन चीज पर जो कि है कि कैसे थ्रेड्स ऐप ट्विटर के लिए काफी बड़ा थ्रेड साबित हो सकती है। मेटा ने इसकी इंटीग्रेशन इंस्टाग्राम के साथ में करी है, जिसका मतलब क्या है कि इसके पास में ऑलरेडी बिल्ट इन यूजर बेस रहेगा इंस्टाग्राम का जो कि इजिली इंस्टाग्राम से थ्रेड्स पर स्विच कर सकता है। और इवन दो अगर कोई पर्सन आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं अगर वो अकाउंट जो है वो थ्रेड्स पर कुछ पोस्ट करता है देन उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम पर भी देने को मिलेगा ताकि आपको इंस्टाग्राम से थ्रेड्स पर लेकर आया जा सके। अगर हम लोग इन दोनों एप्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें देन दोनों में आपको कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं देने को मिलेगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर डिफरेंस रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर बात करी है ट्विटर पर अगर आपने कोई टेक्स्ट वाली कोई पोस्ट अपलोड करनी है देन आपको 280 कैरेक्टर्स की यहाँ पर लिमिट देखने को मिलती है और वहीं ये जो लिमिट है थ्रेड्स ऐप पर 500 कैरेक्टर्स की लिमिट है। इसके अलावा बात करी है अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है ट्विटर पर देन आप सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड तक ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स ऐप पर आप 5 मिनट तक ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रेड्स ऐप पर आपको ज्यादा फ्रीडम देखने को मिलती है, जैसे कि कौन आपकी पोस्ट व्यू कर सकता है, कौन आपकी पोस्ट पर रिप्लाई कर सकता है, कौन आपको ऐप के अंदर मेंशन कर सकता है। लेकिन ये जो फीचर्स हैं ये ट्विटर पर मिसिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थ्रेड्स ऐप बनाई गई है मेटा के द्वारा और मेटा ऑलरेडी यहाँ पर 3-3 ऐप्स को इजिली मैनेज कर रहा है। मेटा अपनी एप्स को आपस में इंटीग्रेट करने में लगा हुआ है और अभी यहाँ पर थ्रेड्स ऐप भी आ चुकी है तो थ्रेड्स ऐप को भी यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा और अल्टीमेटली एक प्रॉपर इकोसिस्टम हमें इनके बीच में देखने को मिलेगा। मेटा के पास में रिसोर्सेस और इन्फ्लुएंस दोनों ही यहाँ पर ट्विटर से कहीं ज्यादा है। अभी मेटा के पास में काफी पावरफुल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है जो कि आपके कंटेंट को मोनेटाइज करने में या फिर आपके ब्रांड को प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेटा ने हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, जिसके साथ में क्या है कि मेटा के पास में काफी बड़ी रेपुटेशन है एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन के मामले में, जिसका सीधा सीधा सा मतलब निकलता है कि मेटा यहाँ पर कंटिन्यूसली अपनी ऐप को इंप्रूव करता रहेगा और यूजर्स के फीडबैक के साथ में या फिर मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी ऐप को अपडेट करता रहेगा। लेकिन मानते हैं कि यहाँ पर थ्रेड्स के पास में काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं यहाँ पर ट्विटर को बीट करने की, लेकिन यहाँ पर इसके आगे काफी बड़े रिस्क और ऑब्स्टेकल्स भी हैं। जैसे कि ट्विटर ने धमकी दी है कि वो मेटा को कोर्ट में सू करेगा। ट्विटर ने यहाँ पर मेटा को अक्यूज करा है कि यहाँ पर मेटा ने ट्विटर के सीक्रेट्स चुराए हैं। यहाँ पर ट्विटर ने बोला है कि यहाँ पर मेटा ने वो लोग हायर करे हैं जो कि पहले ट्विटर में काम कर चुके हैं और उनको हायर करने के बाद उनसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली गई है और उस इन्फॉर्मेशन बेसिस पे यहाँ पर इन्होंने थ्रेड्स को डेवलप करा है और जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। यहाँ पर मेटा ने कौन सा ऐसा फीचर है जो कि दूसरी कंपनी से ना चुराया। इंस्टाग्राम स्टोरीज का जो फीचर है वो इन्होंने स्नैपचैट से कॉपी करा है। इंस्टाग्राम रील्स का फीचर जो है वो इन्होंने टिकटॉक से कॉपी करा है। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर अभी जो एडिट मैसेज का फीचर मिलता है वो इन्होंने ट्विटर और सिग्नल से कॉपी करा है। लेकिन ये एक इकलौता चैलेंज नहीं है थ्रेड्स के आगे, इसके अलावा यहाँ पर ट्विटर के काफी सारे अल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैस्टोडन और ब्लू स्काई और ये एप्स ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर कई डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं और अपनी खुद की यहाँ पर वैल्यूज जो कि इनको थ्रेड्स और ट्विटर से एक बेटर अल्टरनेटिव भी बना देती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैस्टोडन, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर यूजर्स जो है वो अपना खुद का यहाँ पर सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, खुद के रूल्स बना सकते हैं। और वहीं बात करें ब्लू स्काई के बारे में, ये जैक डोर्सी की कंपनी है जो कि फॉर्मर सीईओ है ट्विटर के, वेल ये ऐप भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। थ्रेड्स को यूजर्स या फिर रेगुलेटर्स की तरफ से बैकलैश फेस करना पड़ सकता है क्योंकि मेटा जो है वो ऑलरेडी काफी बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क से यहाँ पर ओन करता है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ओकुलस, और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई भी करता है। और थ्रेड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की वजह से यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस रेज होंगे मेटा की मार्केट पावर, डेटा
प्राइवेसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर। हालांकि मेटा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस और क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर फेस कर सकती है। अल्टीमेटली अभी जो यूजर ट्विटर यूज करता है वो एक ट्राई तो थ्रेड्स को भी जरूर देगा। अगर उसको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगेगा देन वो रह लेगा, अदरवाइज वो इस पर अकाउंट क्रिएट करके छोड़ देगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी इसकी हाइप है और काफी लोगों को फोमो फील हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें कम होती जाएंगी लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने भी लगेंगे, क्योंकि जो ट्विटर है उस पर काफी यूजर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन थ्रेड्स ऐप अभी नहीं है तो इस पर यूजर्स को सेटल होने में टाइम भी लगेगा। अभी मैं ट्विटर यूजर हूँ लेकिन ट्विटर पर मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पर थ्रेड्स ऐप पर एक्टिव हो जाऊँ। लेकिन अभी सिंपल सी जैसे मैंने पहले बात बताई है कि अभी इसकी सिर्फ हाइप है, हाइप के कारण फोमो के कारण लोग इसको यूज कर रहे हैं इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीजें कम होती जाएंगी लोग जो है इससे वापस या तो इंस्टाग्राम पर चले जाएंगे या फिर ट्विटर पर चले जाएंगे और तब ये ऐप एक नॉर्मल ऐप भी बन जाएगी। हालांकि इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी सैमसंग पर कि कैसे सैमसंग यहाँ पर इंडिया का फिर से नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।